एक बार भजन गाएंगे और ये भजन सबको याद होगा, आप लोग गाते रहते हैं जय राधा राम, इसको जोर से बोलिए। पिछला वाले तो ठीक है, किसी ने सुना होगा किसी ने नहीं, लेकिन तो राधा माधव सबने सुना है, सबने सुना है जय राधा माधव, इसको जोर से गाइए। और हमसे ज्यादा आवाज आपकी होना चाहिए, हम केवल तो हैं हमारे माइक, आप लोग बहुत सारे हैं, आप लोगों की आवाज ज्यादा होना चाहिए। जय राधा माधव जय Oh,
और जोर से बोलिए, हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, मनन ध्यान को मन से किया जाता है, लेकिन कीर्तन जोर से किया जाता है। जोर से बोलिए, बताया गया है, भगवान की लीलाओं के विषय में बताया गया है।
भागवतम में भी चैतन्य महाप्रभु की लीला बताई गई है कई श्लोकों में, नवम स्कंद में भी बताई गई है, बारहवें स्कंद में भी बताई गई है और वेदों में भी भगवान का नाम आता है। कितने वेद हैं जानते हैं आप लोग? पहले एक ही वेद था, सबसे पहले व्यासदेव जी ने एक वेद के चार विभाग कर दिए। तो हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, तो अपने धर्म के विषय में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। कोई यदि कहीं पूछ ले कि चार वेद कौन से हैं, तो पता होना चाहिए कि चार वेद कौन से हैं। वेद का अर्थ होता है जानना, नॉलेज, वेद जानना। तो वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो कौन कौन से चार वेद हैं कौन बताएगा? पीछे से कौन बताएगा? वेद जानते हैं? वेद सुना होगा ना बार बार रामायण की कथा में, कि भगवान राम की कथा वेद पुराण, वेद पुराण गा रहे हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भक्तों को तो मालूम है, पीछे से पूछ रहे थे, पीछे किसी को मालूम नहीं। तो याद कर लीजिए, एक बार फिर से पूछिए, भागना मत। कौन कौन से चार वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप लोग तो बोल रहे हैं, तो जानते हैं आप लोग तो, फिर संकोच कैसा बताने में? संकोच मत कीजिए। जैसे हमने कहा वेद का अर्थ जानना, और हम लोग कैसे जानते हैं? आपस में सुन के जानते हैं। आप हमें बताएंगे, हम आपको बताएंगे, तो हम दोनों जानेंगे, आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे। सुन के भी याद हो जाता है। पहले के समय में ज्ञान को श्रुति कहा जाता था, पहले लोग सुन के याद कर लेते थे, पहले लिखते पढ़ते नहीं थे, ऐसे लिखते नहीं थे, पहले पढ़ते भी नहीं थे, केवल सुनते थे गुरु के आश्रम में जाके ध्यान लगा के। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ जाके सुने वशिष्ठ जी के आश्रम में, भगवान श्री कृष्ण बलराम संदीपनी मुनि के आश्रम गए और सुने, चैतन्य महाप्रभु वो केवल सुन के याद कर लेते थे, एक बार किसी बात को सुनते थे तो याद कर लेते। तो पहले के लोगों को श्रुति धर कहा जाता था, जो सुन के याद करने वाले थे। उसके बाद में लोगों को कहा जाने लगा लिख धर और पढ़ धर। लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अब तो लिखने के बाद पढ़ने के बाद भी याद नहीं करते। इसलिए हमने कहा कि उसके बाद लोग लिख धर और पढ़ धर हो गए, अब तो लिखते पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है। तो लिखना चाहिए। जब आप आते हैं कक्षा में, जब आप सुनने के लिए आते हैं, तो अपने साथ एक पेन लेके आइए और एक नोटबुक लेके आइए और लिखिए। यदि कोई अच्छी बात पता चलती है, नई बात पता चलती है, तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग अब श्रुतिधर नहीं रह गए हैं। तो जब हम इस तरह से लिखते हैं, है ना, आपके लिए भी, जब आप जाते हैं क्लास में, तो लेके जाइए नोटबुक पेन अपने पास में रखिए, हमेशा तैयार रखिए। कोई भी अच्छी बात पता चले जो हमें नहीं मालूम है, उसको तुरंत लिख लीजिए। तो जब आप वापस जाके नोट्स देखेंगे आपके, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि अंत में प्रभु जी कुछ पूछ रहे हैं, हम कहाँ से बताएंगे, हम कुछ बोले कि आपने क्या सुना, तो तुरंत आप अपने नोट्स देख सकते हैं और कोई भी बात उसमें से बता सकते हैं कि आपने ये बताया। तो लिखना बहुत जरूरी है और घर में जाकर उसको एक बार पढ़ना जरूरी है। तो इस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कलयुग है, कलयुग में हमारी बुद्धि का बंटवारा बहुत जगह हो रहा है,
कभी फेसबुक में, कभी व्हाट्सएप में, कभी इंस्टाग्राम में, कभी काम पे, कभी घर में, कभी ये क्लास में बैठे रहते हैं, लेकिन हम लोग ये याद करते हैं कि घर घर में आज हल्दी और धनिया ख़त्म हो गया है, तो कल हमें हल्दी धनिया खरीदना है, मिर्ची खरीदना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सब दिमाग में चलता रहता है। हमारी बुद्धि पहले के जैसे नहीं रह गई है। पहले लोगों का शुद्ध आहार था, लोग प्रतिदिन ध्यान इत्यादि लगाते थे, योग करते रहते थे, तो उनको अभ्यास रहता था सुनने का और अपने मन को वो एकाग्र कर लेते थे। तो पहले तो लोग सुनते थे कम से कम, अब तो सुनते भी नहीं। अब टीवी लगा दीजिए, कोई मूवी में कोई आके बैठे तो बड़े ध्यान से 3 घंटे तक लोग देखते हैं, सुनते हैं, रोते भी हैं, रोते भी हैं, लेकिन क्लास में आते साथ नींद आ जाती है। जैसे क्लास में बैठे नींद आ गई है ना? तो सुनना चाहिए, ध्यान लगा के कोशिश करना चाहिए। यदि नींद आती है तो खड़े हो जाना चाहिए, किनारे में जाके खड़े हो जाए, वही बीच में नहीं, किनारे में जाके खड़े हो जाए, थोड़ा पैर को ऊपर नीचे कर ले, लेकिन ध्यान लगा के सुनने का प्रयास करें। ये ट्रेनिंग है जो दी जाती है मंदिरों में। आप कभी भारत जाएंगे और भारत में बॉम्बे जाएंगे राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में, वहाँ देखिए भक्त कितनी जल्दी उठते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे मंदिर पहुँच जाते हैं, 4 बजे मंगल आरती होती है, 5 बजे तक सब आरती खत्म होती है, 5 बजे से 7 बजे तक बैठ के जप करते हैं, इसके बाद गुरु पूजा होती है, 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8 से 9 बजे तक क्लास चलती है प्रतिदिन एवरीडे। तो इतनी सुबह जगे हैं 3:30 बजे 3 बजे और 8 बजे जब इसका मोबाइल बंद कर लीजिए, साइलेंट में डाल लीजिए, तो जब क्लास चलती है तो कितनी सुबह सुबह जगे हैं तो उनको भी नींद आना चाहिए, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। ध्यान लगा प्रयास करते हैं तो प्रयास करना चाहिए भगवत कथा को ध्यान से सुनने का। यदि आप नहीं प्रयास करेंगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा लिखा गया है कि जो क्लास में सोता है वो अगले जन्म में कौन सा रूप लेता है, तो क्या बनना पड़ता है। तो इसलिए अब ये ना सोचिए कि हम जाने ही बंद कर दें, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हमें अभ्यास करना है और ज्यादा अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर होत निशान। पहले के जमाने में पानी कैसे खींचते थे, रस्सी से, कुएं से, कुएं से पानी भरना पड़ता था। तो करत करत अभ्यास के जड़मति, तो जड़मति है, मूर्ख है वो अभ्यास से विद्वान बन जाता है। जड़मति होत सुजान, रस्तरी आवत जात है, बार बार पत्थर के ऊपर रस्ती को खींचते हैं, पत्थर के ऊपर, सिर पर होत निशान, सिर में गड्ढा बन जाता है, इतना गहरा गड्ढा, लोगों को पता होता है यहाँ से रस्ती खींचना है, चरचिकना गड्ढा बन जाता है, देखा होगा आप लोगों ने, हमने तो बहुत देखा है, खींचा भी है। तो अभ्यास करना है प्रतिदिन, हमेशा अभ्यास करना है हम लोगों को अपने जीवन में, है ना? तो भगवान के विषय में हमें सुनना है तो भगवान के विषय में सुनने के लिए हमें भगवान के मंदिर में आना पड़ेगा। सब लोग तो मंदिर बना नहीं सकते हैं, घर घर में मंदिर है वो एक अलग बात है, लेकिन घर में जो मंदिर है वहां आपको कुछ विशेष बातों की जानकारी नहीं है। जो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, मंदिर में जिन बातों की जानकारी मिल जाती है वो आपको आपके घर के मंदिर में नहीं मिलती है। यहाँ भक्त लोग कुछ नया नया तैयार करके पढ़ के लेकर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं, है ना? तो भगवान के विषय में जानने के लिए मंदिर आना पड़ेगा। तो देखिए ताबुआ में कितना बढ़िया मंदिर प्रभु जी ने बना दिया है। यहाँ पे क्या था पहले, थिएटर था, और थिएटर क्या है, नरक का रास्ता है, है ना? लेकिन यहाँ पे उसको अलग करके प्रभु ने क्या बना दिया,
मंदिर बना दिया। और मंदिर क्या है? भगवान के पास जाने का रास्ता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, मंदिर जाए हम क्यों जाए, भगवान तो सब जगह है, तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, लोग ऐसा पूछते हैं है ना। लोग कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग धोड़े वन माह, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है। अरे भगवान तो घट घट में है, तो हम मंदिर क्यों जाए, सब जगह है भगवान। तो उनके लिए ये उत्तर है, आप लोग दे सकते हैं अगर कोई ऐसा कहे, उनसे कहिए हम जानते हैं कि भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से हरि सर्वत्र व्याप्त है, हर किसी के अंदर है, कुत्ते के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, मनुष्य के अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, इस पतंग के अंदर भी है, तो हर जड़ और चेतन के अंदर भगवान है, सब जगह है। तो उनसे पूछिए तो क्या मंदिर में नहीं है, जब सब जगह है तो मंदिर में भी है ना, तो इसीलिए तो हम बुलाते हैं कि मंदिर आइए दर्शन कीजिए। जो कहते हैं कि मंदिर क्यों आए, भगवान तो सब जगह है, हाँ तो सब जगह है मंदिर में भी है, तो मंदिर में आइए। अब देखिए मंदिर में विशेष रूप से भगवान की पूजा की जाती है। यहाँ तो अगर टीचिंग सेंटर है, जब आप में से कुछ बढ़िया भक्त भगवान के निकल के आएंगे तब कुछ भक्त प्रयास करेंगे कि एक मंदिर बना दें, भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कर दें, ऐसा सोचेंगे। और जब मंदिर की स्थापना कर दी जाती है तो विशेष रूप से पूजा होती है। अभी तो ठीक है, जब खोला तब आरती कर ली, पूजा कर लिया, नहीं तो नहीं किया, लेकिन एक बार स्थापना हो गई तब प्रतिदिन मंगल आरती होगी, प्रतिदिन भगवान की ड्रेसिंग होगी, प्रतिदिन भगवान की आरतियां होंगी, प्रतिदिन भगवान को भोग लगेगा। कुछ कुछ पुजारी 2400 घंटे सेवा करते रहेंगे भगवान की। तो जहां पर विशेष रूप से भगवान की सेवा होती है वहां भगवान अपने स्वरूप में विराजते हैं सेवा लेने के लिए। और जब कोई भगवान के मंदिर में आता है तो भगवान उसको सब प्रकार के आशीर्वाद देते हैं, हर प्रकार के। तो इसलिए भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। अब जब भगवान के मंदिर जाते हैं तो भगवान के मंदिर जाके क्या करना चाहिए, क्या कारण है क्यों जाएं हम भगवान के मंदिर में? तो पहला तो ये है कि भगवान के मंदिर वो तीर्थ स्थानों के जैसे हैं। पहले तो हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और अपने समस्त पापों को नष्ट कर लेते हैं। जो भगवान का नाम लेता है, एक बार भी नाम लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में हम सबसे पाप होते रहते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि हमने तो किसी प्रकार का पाप किया ही नहीं, हम तो साफ सुथरे जीवन जी रहे हैं। अभी हम लोग ताबुआ से वापस जाएंगे लोटोका, और लोटोका जाते जाते जब सुबह अपनी कार देखेंगे तो अनेकानेक कीड़े उसमें मरे पड़े रहेंगे। तो हम कारण हुए कि नहीं इतने सारे कीड़ों को मारने के लिए? जब हम चलते हैं तब कितने कीड़े कीड़े हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, जब हम सांस लेते हैं तब कितने छोटे छोटे कीड़े अंदर जाके मर जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं कितने सारे कीड़ों को हम मार देते हैं, खाना बनाते समय जब उसकी भाप निकलती है, अग्नि जलती है, उससे कितने छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। छोटे छोटे कीड़े हैं 11 लाख प्रकार के, 1,100,000 टाइप के कीड़े हैं छोटे छोटे, है ना। कृमि और रुद्र संख्या कह कह का अर्थ होता है 11 लाख। छोटे छोटे कीड़े हैं, वो सब मरते हैं, है ना। तो पाप तो हमें लगता है, यदि हम किसी की मृत्यु के कारण बने तो पाप हमें लगेगा, है ना। एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने कीड़े को लिया, छोटे से थे, उनको ज्ञान नहीं था, तो एक कीड़े को लिया और उनकी आंख में सुई चुभ दी, आंख फोड़ दी कीड़े की, और बार बार उसको फोड़ते रहे आंख को, है ना। 100 जन्म के बाद वो धृतराष्ट्र बने और अंधे थे, 100 जन्म के बाद।
उनके 100 पुत्र हुए और 100 के 100 युद्ध में 99 मारे गए, एक बचा था युयत्सु, और 99 को भीम ने मार दिया। तो कर्मों का फल हमें मिलता है, तो कर्मों को काटना है, खत्म करना है, हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है। एको कि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशासु मेधि वृद्धेर तुल्यः। जो एक बार कृष्ण को प्रणाम करता है उसको 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। दशाश्वमेध, 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है एक बार प्रणाम करने से। इसलिए मंदिर आना है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेध वृद्धेर तुल्यः। और ऐसे ही भगवान का नाम लेने से भी बहुत बहुत पुण्य मिलता है। तो हम लोग तो सीधे महामंत्र जपते हैं और जपवाते हैं, इसमें भगवान का नाम कई बार आता है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने बार आया? 16 बार, 16 times भगवान का नाम आया। एक बार यदि कोई नाम ले ले तो कल्याण हो जाए, पाप ढह के भाग जाते हैं। 16 बार नाम आ जाता है। हरे का अर्थ होता है भगवान की शक्ति, श्रीमती राधा रानी, सीता जी, शक्तियां हैं भगवान की। और राम कृष्ण, तो इस प्रकार से इस मंत्र को बोलने से कल्याण होता है। कल की कथा में बताया था कि ये मंत्रों का राजा है, राजा है। अच्छा, जो कल की क्लास में थे कौन बताएगा कि मंत्र का अर्थ क्या है? कल जो लोग क्लास में थे बताइए मंत्र का अर्थ क्या है। यहाँ बैठे हैं जो थे सब क्लास में, क्या अर्थ है मंत्र का? सुदर्शन प्रभु आपको याद है? थोड़ा ऐसे कीजिए इनको। सुदर्शन प्रभु आपको मंत्र का अर्थ याद है कि क्या है? वो थक गए, बहुत ड्राइविंग कर रहे हैं कल से, तो निद्रा आ गई। मंत्र का अर्थ याद है प्रभु जी क्या है? कल हम लोग सुने थे कि मंत्र का कुछ अर्थ होता है। मंत्र का क्या अर्थ है? मंत्र का अर्थ क्या? केवल मंत्र का जी, हाँ, मंत्र मंत्र का अर्थ मनः त्रायते इति मंत्रः। अगर कल आप लोगों के पास कॉपी पेन होता है, नोटबुक होता है, तो आप लिख लेते मंत्र, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है। मंत्र का अर्थ मनः त्रायते इति मंत्रः, जो मन को वश में कर ले उसको मंत्र कहते हैं। जब हम लोग बार बार ये जपते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम लोग अपने मन को वश में कर लेते हैं। और ये मन ही सबसे पापी है। मन एव मनुष्यानाम कारणं बंध मोक्षयो, बंधाय विषया संगो मुक्ते निर्विषयम। मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। क्योंकि हमारा मन भगवान को छोड़ के दूसरी जगह लगा रहता है, इसलिए बंधन का कारण है। लेकिन दूसरी जगहों से छूट के यदि भगवान में लग जाए तो मुक्ति का कारण है। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो प्रणाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। अब फिर क्या करना है? प्रणाम कर लें, महामंत्र जप लें, इसके बाद मंदिर में आने का उद्देश्य क्या है? अच्छा, कौन बताएगा कि कौन कौन तीर्थ स्थान गया है अभी तक? तीर्थ स्थान कौन जा जा के आया? प्रभु जी गए हैं तीर्थ स्थान, और कौन जाके आए हैं? आप जाके आए हैं, आप जाके आए हैं, है ना। तो तीर्थ क्यों जाते हैं, कारण क्या है तीर्थ में जाने का? जी, भक्ति बढ़ाने के लिए। तो कैसे भक्ति बढ़ती है जब हम तीर्थ स्थान में जाते हैं? कथा सुनना जी,
साधुओं से मिलते हैं, कथा सुनते हैं। तीर्थ स्थान में जाने का उद्देश्य क्या है? तीर्थ स्थान में रहने वाले साधुओं से हम मिलते हैं, साधु संग करने के लिए हम तीर्थ स्थान जाते हैं, क्योंकि उस तीर्थ स्थान में साधु बैठे हैं, बहुत समय तक से भजन कर रहे हैं, बहुत समय से अध्ययन कर रहे हैं, तो हम जाकर उनसे पूछते हैं भगवान के विषय में और वो सरल रास्ता हमें बताते हैं। तो मंदिर एक तीर्थ के समान है, मंदिर एक तीर्थ के समान है, है ना? जिनके चरणों से नदी निकली उसका नाम है गंगा, वो तीर्थ स्थान बन गया। तो किनके चरणों से निकली? भगवान के चरणों से निकली, वामन देव जी के चरणों से निकली। वही वामन देव जी कृष्ण है, तो जहां कृष्ण बैठे हैं वो हुआ कि नहीं तीर्थ स्थान? अरे भगवान के चरण कमल को छूने के कारण गंगा जहां जहां से जाती है वो तीर्थ स्थान बन जाता है। तो जो स्वयं वहां बैठे हैं तो वो तीर्थ स्थान होगा कि नहीं? तो भगवान का मंदिर क्या है? तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान है। तो भगवान के मंदिर जब आए तो हम लोग क्या करें, क्या करें, क्या करें? तीर्थ स्थान जाके क्या करना चाहिए? क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया, तीर्थ स्थान जाते हैं क्यों जाते हैं? साधु संग करने के लिए जाते हैं। तो जब भगवान के मंदिर आए तो क्या करें? साधु संग करें, भक्तों का संग करें। जो भक्त भगवान के विषय में जानते हैं हम उनका संग करें, उनसे कुछ पूछें, कुछ ना कुछ पूछें कि अच्छा आप ये महामंत्र जपते हो, क्यों जपते हो, कारण क्या है कि यही महामंत्र जपते हो, बहुत मंत्र तो बहुत सारे हैं, दूसरे क्यों नहीं जपते हो, इसी को क्यों जपते हो, अच्छा इसका अर्थ बताइए कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। तो ऐसे प्रश्न करें, है ना? जो नहीं मालूम है वो पूछें कि हम अपने घर में एक मंदिर बनाना चाहते हैं, उस मंदिर में हम किसको बैठा लें। अच्छा आप कहते हो राधा कृष्ण की पूजा करें, तो राधा कृष्ण की पूजा ही क्यों करें? तो इस तरह के प्रश्न करना चाहिए। या जब भक्त लोग कुछ बताते हैं उसमें से कुछ ना समझ में आए तो वही पूछ लो, वही पूछ लेंगे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना? तो साधु संग करना है। यह साधु संग करने के लिए सब जगह कहा गया है, सभी जगह कहा गया है कि साधु संग कीजिए, साधु संग कीजिए, साधु संग कीजिए। यदि हमें इस भौतिक संसार से निकलना है तो साधु संग करना पड़ेगा, है ना? सब लोग अपने मोबाइल को पहले तो साइलेंट कर दीजिए, साइलेंट मोड में डाल दीजिए, इसमें बजे ना, है ना? पहले मोबाइल नहीं था तो फिर भी काम चलता था, चलता था कि नहीं? तो एक घंटे यदि साइलेंट मोड में डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बीच किसी भी कथा में जाए, किसी भी कथा में कोई भी कथा कह रहा हो, तुरंत मोबाइल साइलेंट मोड में डाल दें। हम लोग भी आते हैं तो तुरंत साइलेंट मोड में डाल देते हैं, ये नहीं कि कथा के बीच में हेलो 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 सामने ही बैठे हैं और बात करने लगे। तो बेचारा जो कथा कह रहा है खूब प्रिपेयर करके आया है, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, उसका ध्यान दूसरी जगह जाएगा, बट जाएगा, वो भूल जाएगा कि वो क्या कह रहा है ना? और सबके पास मोबाइल है, कभी उसका बजेगा, कभी उसका, कभी उसका, कभी उसका। तो किसी भी कथा में जाए, कहीं भी जाए, मोबाइल साइलेंट मोड में डाल दें। प्लेन में बैठेंगे तो वहां भी आपको बताएंगे कि बंद कर दीजिए, तो आप बंद कर देंगे। कथा ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह आते हैं, चालू रहता है, उसमें भी बात करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। अब इसके बीच में कोई बहुत अच्छा टॉपिक निकल गया, कोई बहुत अच्छी बात बता दे तो आपको मिस कर जाएंगे, मिस कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि आजकल भगवान की कथा को कोई महत्व नहीं देता है। लोग सोचते हैं ये तो ऐसे ही चलते रहते, इंटरनेट में भरी पड़ी है, सुन लेंगे किसी को, कोई बात नहीं, अभी नहीं सुन रहे, बाद में हम आपका देख लेंगे, लाइव देख लेंगे, बाद में हम आपका यूट्यूब में देख लेंगे। सामने देखने से जो प्रभाव होता है, सामने देखने से, वो पीछे देखने से नहीं होता है। पीछे देखने से इंफॉर्मेशन मिलती है डेफिनेटली,
बहुत कुछ हमें भगवान के विषय में पता चलता है, लेकिन साधु संग आसानी से नहीं होता है। साधु संग भी होता है करोड़ों जन्मों के फल के बाद साधु संग प्राप्त होता है। तो जब होता है उसमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो इस जगत से निकलने का एक रास्ता है, वो रास्ता हमें मालूम होना चाहिए। इस जगत में सब लोग अपनी मटेरियल इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं और मटेरियल इच्छाओं की पूर्ति करते करते हृदय में अशांति आ जाती है, समय निकल जाता है, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, बहुत सारी चीजों की इच्छाएं हैं जो प्राप्त नहीं होती हैं। तो नहीं होने के कारण हृदय में दुख होता है। सबकी बहुत सारी इच्छाएं अलग अलग है, तो कुछ चीजें हमें प्राप्त नहीं होती हैं जिसकी हमें बहुत चाह है, जिसकी हमें बहुत इच्छा है। तो वो चीजें प्राप्त नहीं होने के कारण एक हृदय में एक क्षोभ रहता है कि यार वो मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, वो वस्तु प्राप्त हो जाती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन हम इतना प्रयत्न किए हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं। तो इसको कहते हैं क्षोभ, क्षोभ है, ग्लानी है। तो देखिए, जो लोग यहाँ रहते हैं, फिजी में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, वो लोग जाते हैं हिमालय, सोचते हैं कि हम हिमालय जाएंगे, एक कुटिया बनाएंगे और हमें वहां पर शांति मिलेगी। और जो लोग हिमालय में रहते हैं वो सोचते हैं कि हम न्यूजीलैंड जाएंगे, हम फिजी जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, हम मुंबई जाएंगे, थोड़ा धन कमाएंगे तब थोड़ी शांति मिलेगी। इसका मतलब कि दोनों को शांति नहीं है, शांति कहीं नहीं है। शांति को वो जिस चाबी से खोल रहे हैं वो चाबी ही गलत है। कुछ प्राप्त करके या कुछ छोड़ के हमें शांति मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी। कुछ लोग थे इसी तरह के, वो हिमालय से धीरे धीरे आगे शांति की तलाश में आगे मुंबई। जब मुंबई की चकाचौंध देखी उन्होंने तो काम करने लगे, बढ़िया काम करके थोड़ा धन कमाया। अब उनकी इच्छा हुई कि अब हम यहाँ से सीधे अमेरिका चलें, और अमेरिका जाएंगे तो सीधे वहाँ डॉलर कमाएंगे, यहाँ पे तो नोट कमा रहे हैं, तो वहाँ सीधे, तो जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा शांति मिलेगी। तो किसी तरह से उनका वीजा लग गया और वो अमेरिका चले गए। तो पहले गए थे तो कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं थी, तो एक किसी बड़ी सी होटल में उन लोगों ने एक रूम बुक किया, बहुत बड़े होटल, बहुत ऊंची होटल थी। आप तो जानते हैं ना कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में और अमेरिका में, स्काई कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जी, तो ऐसी ही बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, और उनको जो रूम मिला वो 100वें माले पे मिला, 100th floor में मिला, नीचे कुछ खाली नहीं था। तो 100th floor में जाके उनको एक रूम मिला इतनी ऊपर। तो उन लोगों ने सोचा कि अरे हम लोग आए हैं अभी काम थोड़ी के, 2-3 दिन के बाद आज थोड़ा अमेरिका दर्शन कर लेते हैं, घूम लेते हैं। तो उन लोगों ने एक कार हायर की और निकल गए, कुछ सामान बैग भी ले लिया, कुछ सामान खरीद खरीद के रख लेंगे। तो जो भी कुछ था उन लोगों ने उस बैग में डाल दिया और घूम घाम के शाम को वापस आए तो बड़े थक गए। तो हम लोग भी गए, रेखी रेखी प्रभु वगैरह सब थके हुए हैं, माता जी थकी हुई, सब लोग थके हुए, कल से हम लोग यहाँ वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कालियानाथ के दर्शन के लिए भी गए थे। तो वो लोग भी पूरे दिन घूमे तो थक गए, थके मांदे बेचारे शाम को आए। और अमेरिका में यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस दिन हुआ, अमेरिका में ऐसा कभी नहीं होता लेकिन उस दिन हुआ। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई बड़ा कारण होगा, अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी ना रहे ये बहुत बड़ी बात, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और लिफ्ट बंद है। और उनका रूम कहाँ था, 100वें माले में, ध्यान से सुनिए, 100वें माले में। बेचारे मरता क्या ना करता, चढ़ना पड़ेगा ना, तो वैसे ही थके हैं और सोना है सबको, खा पी क्या है, बस सोना है जाके, लेकिन कहाँ चढ़ना है, 100वें माले में चढ़ना है। किसी तरह से धीरे धीरे 25 माले तक पहुंच गए, बहुत थक गए। जब मनुष्य थक जाता है, बहुत थका रहता है, तो उसको जीवन के दूसरे प्रॉब्लम्स भी याद आते हैं,
मनुष्य एक प्रॉब्लम्स में पड़ता है तो अपने सारे प्रॉब्लम्स को याद करने लगता है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी ने बताया कि मैंने दूसरी शादी की थी, वो पत्नी भी छोड़ के भाग गई, तो फिर अपने अपने प्रॉब्लम्स बताने लगे ना कि रास्ता लंबा है, चलो शेयर करते हैं अपने प्रॉब्लम्स, रास्ता कट जाएगा। तो धीरे 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 50 फ्लोर पर पहुँच गए। फिर किसी ने अपना बताया कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस था, वो डूब गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, सब प्रॉब्लम सब बताने लगे। किसी ने बताया मेरा घर था हिमालय में, लेकिन वहाँ पे गंगा में बाढ़ आ गई, वो डूब गया। तो सब अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे। धीरे 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 90 फ्लोर 95 98 फ्लोर पर पहुँच गए। एक व्यक्ति बचा था जिसने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, एक व्यक्ति। तो 2 फ्लोर चढ़ना थे, भैया तुम भी बता लो, सबने बता लिया अपने अपने प्रॉब्लम, तुम भी बता लो कि तुम्हें क्या दिक्कत है। यू हैव एनी प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम है ना। तो उससे पूछा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। उसने कहा नहीं, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तुम लोग नहीं सुन पाओ। तो फिर 99 फ्लोर में आ गए ऐसे बात करते करते। तो मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तुम लोग नहीं सुन पाओगे, नहीं सुन पाओ। अरे बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी, तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनी, बताओ, सुनेंगे, जल्दी बताओ। तब तक वो लोग 100 फ्लोर में पहुंच गए, रूम के बाहर खड़े थे। तो क्या बात है, उसने मेरी प्रॉब्लम ये है कि चाबी बैग में छूट गई है और वो कार में है। इतनी ऊपर चढ़ गए और जो चाबी है वो नीचे छूट गई कार में, बैग में। हम सबका यही प्रॉब्लम, एक एक करके एक एक करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। जन्म लिए, किले गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, डिग्री हासिल की बड़ी बड़ी, जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब भी लग गई, जॉब करने लगे, फिर प्रमोशन, फिर यहाँ, फिर वहाँ, कई जगह जॉब किए, शादी की, बच्चे के, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की शादी की, बुढ़ापा आ गया, जाने का समय आ गया, लेकिन जप नहीं किया। इस संसार से निकलने की चाबी उसको हम लोग याद में रखे। जब यमराज जी आते हैं लेने के लिए, चलो साथ में, क्यों क्यों जाएं हम साथ में आपके, हमें आपके साथ नहीं जाना है, नरक नहीं जाना है। बड़े भयंकर आते हैं यमराज के 3 दूत, बहुत भयंकर, उनके बाल से ऊपर की तरह खड़े रहते तार के जैसे और दांत ऐसे निकले रहते हैं, बड़े बड़ा भयंकर चेहरा है। वो रस्ती लेके आते हैं, आत्मा को खींच के लेके जाते हैं नया शरीर लेके नरक की तरफ। हमें नरक नहीं जाना है तो जप क्यों नहीं किया? संसार से निकलने की एक चाबी है ये संसार, केवल इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप बस आओ, खाओ, पियो, मूवी देखो, सो जाओ और आप आराम से निकल भी जाओगे। ये सब तो माया है, भगवान की माया है ना, दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते। भगवान क्या कहते हैं कि मम माया दुरतया, मेरी माया बहुत दुरत्य है और जो मेरे शरणागत होता है वही इस माया से निकल पाता है, नहीं तो नहीं निकल पाता है। तो चाबी क्या है निकलने की, कैसे संसार से निकलेंगे बताइए, आप लोग बताइए कैसे निकलेंगे। महामंत्र जप के चाबी है, महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बताइए यही चाबी क्यों है, यही चाबी क्यों है, हरे कृष्ण महामंत्र ही चाबी क्यों है? एक प्रश्न उठता है। हम लोग तो यज्ञ करते हैं घर में, हम लोग तो मूर्ति पूजा भी करते हैं, हम लोग तो ध्यान भी लगाते हैं, फिर यही क्यों है चाबी, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताइए आप, बताइए। भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, और कौन बताएगा, सुदर्शन प्रभु,
आप बताइए जी। हाँ वही उन्होंने बताया। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों हम बोल रहे हैं कि यही चाबी है। हम लोग तो दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, लोग यज्ञ कर सकते हैं, मूर्ति पूजा कर सकते हैं, लेकिन यही चाबी क्यों है जी? हाँ कलयुग है और हर युग में इस भौतिक जगत से स्पिरिचुअल जगत के बीच में एक ब्रिज होता है, एक ब्रिज जिसकी सहायता से बड़ी आसानी से हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। हर युग में एक ब्रिज होता है स्पिरिचुअल जगत और भौतिक जगत के बीच में। सत्ययुग में वो ब्रिज क्या था? तपस्या करना। सत्ययुग में वो ब्रिज था तपस्या करना, क्योंकि लोग कितना जीते थे? 100,000 जीते थे, 100,000 ईयर्स जीते थे। ये गलत बात नहीं है, झूठ नहीं है, ऐसा मत सोचो कि झूठ है। हिरण्यकश्यप ने 60,000 तक तपस्या की थी। कैसे? अगर वो 100,000 नहीं जीते तो इतनी लंबी तपस्या कैसे करते हैं? ये झूठ नहीं है। आपके पिता आपके दादा 100 जी गए, और आजकल के लोग देखिए 80-85 में जा रहे हैं, 70 में जा रहे हैं, 60 में जा रहे हैं, तो आयु कम होती जा रही है ना। पहले लोग कितना जीते? 100,000 ईयर्स जीते सत्ययुग में। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या था? तपस्या। तपस्या समझते हैं ना, तपस्या का अर्थ क्या है? जानते पीछे बड़े तपस्या का अर्थ जानते हैं? तपस्या नहीं जानते, इसे व्रत करते हैं वो भी तपस्या है। कुछ खाते पीते नहीं है दिन भर, कुछ ऐसा करना जिसमें कुछ बंधन हो, जैसे खाना पीना नहीं है, एक पैर के ऊपर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते ना, अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए तपस्या कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, केवल हवा पी के तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। सत्ययुग में ये विधि थी। उसके बाद युग बदला और लोगों की आयु कम हुई, 90% आयु सीधे ड्रॉप हो गई। कितनी बची? कितनी बची? 10,000 त्रेता। उस युग में भगवान को प्राप्त करने का क्या उपाय? यज्ञ त्यागी करना। बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, सुना है ना हम लोगों ने। दशरथ महाराज ने भगवान से रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए पहले एक अश्वमेध यज्ञ किया, उसके बाद पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। ऐसे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। श्री रामचंद्र जी ने भी हजारों हजारों यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, किसने राष्ट्र यज्ञ किया, किसने कोई यज्ञ किया। तो उस युग में ब्रज क्या था? यज्ञ करना। फिर युग बदला, उसके बाद कौन सा युग आया? द्वापर। ऐसे तो युग इस तरह से आते हैं, इस बार ओवरलैपिंग हुई है इस बार, लेकिन हर बार युग कैसे बदलते हैं? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलि, ऐसे बदलते हैं। पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलि, लेकिन इस बार ओवरलैपिंग हो गई। तो इस बार क्या हुआ कि त्रेता द्वापर के पहले आ गया, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि, इस बार ऐसा हुआ है ना। तो फिर युग बदला, कौन सा युग आया? द्वापर युग। फिर 90% आयु ड्रॉप हो गई। कितनी आयु बची? 1000 ईयर्स, 1000 साल। और उस युग में भगवान को पाने का उपाय क्या था? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। मूर्ति पूजा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके भगवान के धाम जा सकते थे। द्वापर युग की जो मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां आज भी हैं, जो द्वापर युग के समय बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे, वो आज भी हैं। राधा गोपीनाथ जी की मंदिर मूर्ति त्रेता युग से है। राधा गोपीनाथ जी का मंदिर जो है ये त्रेता युग की मूर्ति है। तो उस युग में भगवान को पाने का उपाय था, ब्रिज क्या था? मूर्ति पूजा। कलयुग में फिर से 90% आयु का ड्रॉप हुआ। कितनी बची? 100 साल। यदि हम अच्छे से शुद्ध जीवन जिए तो हम लोग 100 साल जी सकते हैं इस कलयुग में। शुद्ध आहार खाएं, है ना, मीट ईटिंग नहीं करें, गैम्बलिंग नहीं करें, सेक्स नहीं करें, इंटॉक्सिकेशन इत्यादि नहीं करें, हम कितना जी सकते हैं? 100 साल जी सकते हैं। बढ़िया से यदि आहार खाएं, जैसा शास्त्र में बताया गया है,
तो इस कलयुग में ब्रिज क्या है, इस कलयुग की चाबी क्या है निकलने के लिए, वो है हरि नाम। उसको हमने छोड़ दिया, सब कुछ हम करते हैं लेकिन चाबी हम भूल के आ गए, तो संसार से कैसे निकलेंगे, है ना। गेट की चाबी अपने पास होना चाहिए, इसलिए ये चाबी है, है ना, ये चाबी है, ये निकाल के जपते रहते हैं तो चाबी का ताला आसानी से खुल जाएगा, हम बदनाम जा सकते हैं, है ना। तो जप करना चाहिए, वो भी माले में, माले से जप करना चाहिए। तुलसी है ये, लेकिन तुलसी को पकड़ने के कुछ नियम है, कोई भी तुलसी नहीं छू सकता है। तुलसी कौन छू सकता है, तुलसी कौन पहन सकता है, हाँ बताओ, तुम बताओ विशाखा, कौन तुलसी पकड़ सकता है, कौन तुलसी पहन सकता है, उसको बोलने दीजिए, बोलेंगे मालूम है उसको, हाँ बताओ। जो चार नियमों का पालन करता है, जो चार नियमों का पालन करता है वो कंठी माला पहन सकता है और तुलसी माला से जप किया जा सकता है। बताइए चार नियम क्या क्या है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना, सिगरेट नहीं पीना, तम्बाकू नहीं पीना, काबा नहीं पीना, और क्या कहते हैं, विस्की नहीं पीना, वटका नहीं पीना, बियर नहीं पीना, चाय भी नहीं पीना। चाय पी सकते हैं लेकिन कौन सी चाय, हर्बल टी पी सकते हैं, नेचुरल टी पी सकते हैं, लेकिन कैफीन वाली टी नहीं पीना। कैफीन वाली टी पीने से भी वो भी इंटॉक्सिकेशन है, तो टी पीने के लिए क्यों मना करते हैं, चलिए ये डिस्कस करो। छोटी छोटी बातें कभी कभी डिस्कस करना चाहिए, नहीं मालूम रहता कभी कभी ना, टी क्यों नहीं पीना चाहिए, कहते टी में क्या खराबी है, हम लोग तो जब भी फास्टिंग करते थे टी पीते थे, या आप लोग टी पीने के लिए क्यों मना करते हैं, टी कॉफी नहीं पीना, क्यों कैफीन है, क्यों मना करते हैं जी, एडिक्शन है, मतलब इसमें नशा है। जो व्यक्ति नशा करता है वो क्या नहीं कर सकता है, वो तपस्या नहीं कर सकता। धर्म के चार खंभे हैं, सत्य, तपस्या और पवित्रता, है ना, और क्या है, सत्य, तपस्या, पवित्रता और तो तपस्या हो गए, तपस्या हो गए, कौन कौन से चार खंभे याद के लिए धर्म के, दया, दया वो भी सत्य में आ गया, ऑनेस्टी। तो सत्य, तपस्या, पवित्रता और दया ये चार खंभे धर्म के, है ना। तो जो व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन करता है वो तपस्या नहीं कर सकता है। कॉफी पी पी के हम लोग जगते हैं, जिस दिन कॉफी नहीं पीएंगे उस दिन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, तपस्या नहीं कर सकते। कॉफी जगा के आपको रख रही है ना, लेकिन आप तपस्या नहीं कर सकते बिना कॉफी, तो वो आपको जग के रख रही, मतलब आपको खून चूस रही है कॉफी, समझ सोचिए कि उसको हार्ट अटैक नहीं होगा जो ब्लैक कॉफी पिएगा, जो नहीं पिएगा उसको नहीं होगा, जो शंख बजाएगा रोज उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, शंख बजाने से हार्ट मजबूत होता है, और जिस घर में शंख बजता है वहां भूत प्रेत भी नहीं आते, और उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता जो शंख रोज बजाता है। तो जो चाय कॉफी पीता है वो तपस्या नहीं कर सकता, केवल चाय कॉफी नहीं, जो कुछ भी इंटॉक्सिकेशन, सिगरेट है, बीड़ी है और विस्की है, दारू है, ये सब पीता है वो तपस्या नहीं कर सकता है। जो मीट ईटिंग करता है उसमें कभी दया नहीं हो सकती, मीट ईटिंग करने वाला कभी दयालु नहीं हो सकता है। नो वंडर अपने अलावा वो लोग सबको काफी समझते हैं, मार बोले दया है। जो व्यक्ति वेजिटेरियन है
वो वास्तव में लोग कुत्ते बिल्ली से प्रेम करते हैं, कहते हैं कि यू नो हम लोग जो है कितने कंपैशनेट हैं कि कुत्ते बिल्ली को खिला रहे हैं, कुत्ते बिल्ली खिलाए और गाय खा जाते हैं, कितनी गलत बात है। कुत्ते बिल्ली को गोद में रखे और गाय खा रहे और अपने आप को क्या समझते हैं, लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े कंपैशनेट यही है, ऐसा लगता है नहीं इसको कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी बिल्ली हमारा कुत्ता किसी ने कुछ कर दिया तो चढ़ बैठेंगे उसके ऊपर केस कर देंगे। तो जो मीट ईटिंग करता है वो उसमें दया नहीं रहती, दया नहीं रहती, वास्तव में दया नहीं रहती, कभी भी क्रोध आ जाता है उसके लिए, उसका विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो अवैध स्त्री संग करता है उसमें पवित्रता नहीं है। और चौथा सत्यता, जो जुआ खेलता है जहां पे गैम्बलिंग है वहां पे सत्य नहीं होती। एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग हुई थी पूरे इतिहास की, कहां पर, महाभारत, क्या झूठ था वहां पर, कैसे धर्म का खंभा गिरा था वहां, झूठ क्या था, पहला झूठ तो यह था कि सपने के पास से माया के ऊपर सही पास नहीं थे उसके, माया के पास से लेके आया, तो अनिश्चित तो वहीं से खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ, द्रौपदी के वस्त्र उतारने की कोशिश की गई उस राजसभा में, देखिए ऐसे धर्म का खंभा टूटता है, टूटता है कि नहीं, है ना, जहां पे जुआ है जो कसीनो में जाएगा उसमें धर्म नहीं है, उसमें धर्म नहीं है, वो सत्यता नहीं है उसमें। नीचे आने के बाद टैक्सी लेगा घर तक जाने के लिए और टैक्सी वाले को पैसा नहीं देगा, बोलेगा घर तक पहुंचा दो मैं वहां घर जाके देता हूँ, वो घर से थोड़ी देर पहले अपनी टैक्सी रोकेगा और भाग जाएगा, क्यों, सारे पैसे तो हार गए हैं टैक्सी को, कुछ है कहां से देगा। तो जो जुआ खेलता है उसमें सत्यता नहीं, उसमें सत्यता नहीं। तो धर्म के चार खंभे ऐसे टूट जाते हैं, है ना। तो हम ये बता रहे थे कि चाबी ब्रिज है हरे कृष्ण महामंत्र, और चाबी है वो भी हरे कृष्ण महामंत्र, यदि इसे जपते रहेंगे, जपते रहेंगे तो धीरे धीरे भगवान हर प्रकार की कृपा हमारे ऊपर करेंगे, हर प्रकार का अच्छा गुण हमें दे देंगे, अच्छा भक्त बना लेंगे, पर किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी, है ना। एक बहुत सुंदर तरीके से एक भक्त ने कहा है, देखे सुने न भक्त भिखारी, कहीं ऐसा ना देखा गया ना सुना गया कि कोई भक्त भिखारी होता है, क्योंकि भगवान उसका ध्यान रखते हैं, है ना। सुदामा जी भिखारी बन के आए थे और राजा बन के गए, गए कि नहीं, पांडवों का सब कुछ छीन गया, कल क्या हुआ अंत में, हस्तिनापुर का राज्य मिला, इंद्रप्रस्थ भी उनका, हस्तिनापुर भी उनकी, हुआ के लिए ग्राह को गज, ग्राह ने गज को पकड़ लिया था, भगवान आए तो क्या हुआ, अपना धाम दे दिया, ग्राह को भी मारा और गज को अपना धाम दे दिया, वैकुंठ दे दिया, दिया कि नहीं दिया, और किसको दिया जी, ध्रुव महाराज को दिया। ध्रुव महाराज भगवान को देखते हैं क्या कहते हैं, जो जिसने भगवान को देख लिया, वो अपने सामने देख रहे थे भगवान को, कहते हैं मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था, मैं मनु महाराज से बड़ा राज्य मांगने आया था कांच का टुकड़ा, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया, भगवान मिल गया। उन्होंने इस पूरी पृथ्वी के ऊपर 36,000 साल तक राज्य किया, मरने के बाद भगवान ने उनको ध्रुव लोक दे दिया, लोक देखते हैं ध्रुव लोक उत्तर दिशा में, वो ध्रुव महाराज का है, वहां ध्रुव महाराज का है। तो दिया क्या कहते हैं ध्रुव महाराज, भक्ति मुहु प्रवहता त्वे मे प्रसंग भूया दलंत महता ममलास
किम मुहु प्रवहताम त्वयमे प्रसंगो। तो भगवान वो भी कहते हैं कि भगवान के भक्तों का संग करो, भगवान के संग भक्तों का संग करने से भगवान के विषय में ज्ञान होता है, इस संसार से छुटकारा मिलता है और भगवान के बारे में नॉलेज होता है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान के प्रिय बन जाते हैं, वो ये ज्ञान देते हैं। प्रहलाद महाराज को देखिए क्या मिल गया, कितना बड़ा राज्य मिल गया। बलि महाराज, आप लोग बोलोगे बलि महाराज से तो छीन लिया है ना, सब कुछ छीन लिया, उसी समय उसे सुतल लोक दे दिया। बलि महाराज कौन सा लोक दिया? सुतल लोक। सुतल लोक का ऐश्वर्य स्वर्ग से बढ़ के क्यों छीना था, चलिए बताइए। आप लोग कथा सुने हैं ना, बलि महाराज की कथा सुने हैं, जानते हैं? कौन कौन जानता है, हाँ उठाइए। बलि महाराज की आप जानते हैं। तो क्या हुआ था, बलि महाराज स्वर्ग के राजा बनना चाहते थे, वो तो भक्त थे, उनके गुरु जी बनाना चाहते थे उनको स्वर्ग का राजा, तो उनसे 100 अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। तो 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, अगर कर लेते तो वो स्वर्ग के राजा बन जाते। तब देवता डर गए, अरे तो हमारा राजपाट छीन लेंगे। तब भगवान को उन्होंने भेजा, उपेंद्र जी को, सब कुछ हरने के लिए। तो बलि महाराज से सब कुछ वामन देव जी ने दो पैर में सब कुछ ले लिया, तो तीन पैर कहाँ रहे। बलि महाराज ने क्या कहा, हमारे सिर में लगी, देखिए मालूम है आपको कथा, हाथ अब तू तो उठा लेता, तो मेरे सिर में रखिए, अपने आप को ही अर्पण कर दिया बलि महाराज। तो जिस यज्ञ में भगवान स्वयं पहुंच गए हैं वो यज्ञ तो वैसे ही पूरा हो गया, क्योंकि यज्ञ भोक्ता तो कृष्ण है, भगवान है। तो उस यज्ञ के बाद उनके गुरु जी वो तो बहुत कह रहे थे कि अरे मत दो, वो नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दिया, अपने गुरु की बात को ना सुन के दिया भगवान को। अगर भगवान की सेवा करने की बात आए तो गुरु को भी त्यागा जा सकता है, अगर भगवान की सेवा करने की बात आए, यदि गुरु भगवान की सेवा से हटाए तो वो गुरु गुरु नहीं है। गुरु कौन है जो भगवान की सेवा में लगाता है, वो गुरु है ना। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सुतल लोक देता हूं, सुतल लोक का ऐश्वर्य स्वर्ग से बढ़के, स्वर्ग से बढ़के। और भगवान ने यह भी कहा कि मैं स्वयं उस सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा जब तक तुम महाराज करो। तो अभी राज्य कर रहे हैं बलि महाराज, अभी राज्य कर रहे हैं सुतल लोक में, और वहां भगवान द्वारपाल बन के खड़े हैं। अब बताइए क्या भगवान लेते हैं, देते हैं। और भगवान ने यह भी कहा अगले मन्वंतर में तुम स्वर्गलोक के राजा बनोगे। तो अगला जो मन्वंतर आएगा प्रलय के बाद, उसमें इंद्र कौन बनेंगे, इंद्र एक पोस्ट है, और इंद्र कौन बनेगा, बलि महाराज। अभी कौन है इंद्र, पुरंदर, अभी जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर, और नेक्स्ट इंद्र बनेंगे बलि महाराज। तो भगवान लेते नहीं, भगवान देते, देखे सुने ना भक्त भिखारी। इसलिए हम लोगों को ये चाबी अपने पास रखना है, भूलना नहीं है। जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये चाबी अपने साथ में रखना है हमेशा, छोड़िए माना, ये कभी छूटना नहीं चाहिए, कभी नहीं छूटना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए हमारे साथ, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, भगवान से दूर मत जाइए। अगर भगवान ने कुछ प्रॉब्लम दी भी है तो वो भी आपके लिए अच्छी है, भगवान किसी बड़ी चीज से बचाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने आपको कोई छोटी प्रॉब्लम दी है जिसको हम बड़ा समझते हैं ना। एक बार एक व्यक्ति थे जो 4 प्रकार के पाप करने वाले थे, तो जीवन भर आराम से जिए इस संसार में, खूब पाप करते रहे, सोचे कि मरने के बाद मुझे तो स्वर्ग मिलेगा। तो पाप करते रहे, जब जीवन छूटा तो
के तीन दूत आए और पकड़ के ले गए, कहाँ ले गए? यमलोक ले गए। तो उन्होंने कहा यहाँ क्यों लेकर आए, हमें क्यों लेकर आए, हमने क्या गलत किया? तो उन्होंने कहा तुमने बहुत शराब पी इसलिए यहाँ लाए। भगवान की कथा होती थी वही वहां नहीं जाते थे और घर में बैठ के बोतल खोलते, इसलिए तुम्हें यहाँ लेके आए। उसको कौन से नरक में डाला? उसको ऐसे नरक में डाला जिस नरक में एक नदी थी। नरक की 27 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उसको उस डिपार्टमेंट में डाला जहां पर एक नदी थी। वो नदी थी मल मूत्र की, स्टूल और यूरिन की, और उसमें क्या क्या था? उसमें था रक्त, उसमें कीड़े थे, बड़े 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 कीड़े हो जाते हैं ना मल में, कीड़े देखे हैं ना, कीड़े गोबर में कैसे कीड़े निकलते हैं, मल ये थोड़ी से थक रखा की जगह कीड़े निकले, उसमें कीड़े थे, बहुत गंदी नदी, बहुत स्मेल आती थी, और उसमें उसको डाल दिया, उसमें उसको डाल दिया। बेचारा बहुत तड़पता रहा, तड़पता रहा, तड़पता रहा। उसके बाद थोड़ी देर बाद यमदूत आए, तो यमदूत आके कहते हैं कि कुछ चाहिए है, कुछ इच्छा है, कुछ चाहिए है, यू गाइस वांट समथिंग, पूछा। तो ये व्यक्ति हाथ ऊपर किया, तो उसने कहा कि बहुत देर हो गई है इसमें पड़े पड़े, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, यही सब पीने की आदत थी, कैफीन और ये सब, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो उसको दे दी गई कॉफी, कॉफी पिया। तो इस पर थोड़ी देर पर एक खट्टा खट्टा काले रंग का एक यमदूत आया और आगे कहता है ओके बॉयज, कॉफी ब्रेक इज अप, नाउ हेड्स डाउन एंड लेग्स अप, नाउ हेड्स डाउन एंड लेग्स अप। तो ऐसा ही है, अगर हम ये सब गलत काम करेंगे तो हम लोगों के साथ भी यही होने वाला है, हेड्स डाउन एंड लेग्स अप। कहां पर? मलमूत्र की नदी में। लोग गाय दान करते हैं जीते जी, क्यों करते हैं बताइए, कारण क्या है, क्यों दान करते हैं? ना फिजी में बड़ी मान्यता है कि जीते जीते वो एक गाय का बछड़ा दान कर देते हैं, गाय दान कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वो विरजा कर जाएंगे। हाँ विरजा नहीं, दो नदी है, एक है विरजा और दूसरी वैतरणी, ऊपर विरजा है नीचे वैतरणी है। तो इस ऊपर की जो नदी है ऊपर के लोगों की वो विरजा है, नीचे की लोग की नदी वैतरणी, वैतरणी तर जाएंगे इसलिए गाय दान करते हैं। जब कोई गाय दान करता है तो उसको वैतरणी से तरने के लिए एक नाव मिल जाती है, एक बोट मिल जाती है, क्यों? वैतरणी नदी भी ऐसी है, उसमें भी कीड़े हैं, बड़े बड़े जानवर हैं जो पकड़ के खा जाते हैं। तो ऐसा शरीर मिलता है शरीर छोड़ने के बाद जो नरक जाते हैं, उस शरीर को यातना देह कहा जाता है, यातना देह। उस शरीर में कष्ट का अनुभव होता है लेकिन मृत्यु नहीं होती है। जैसे किसी को बॉईल कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को डाल दिया उबलते हुए पानी में, उबलते हुए तेल में, जो लोग खचमच खाते हैं उनको उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, खूब चिकन फ्राई करके खाते हैं ना, उनको उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, तो उनको क्यों कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन मरते नहीं, क्योंकि वो यातना देह में होते हैं उस समय। इसलिए प्राणी वादिन की सुध लीजिए जा दिन लेचल लेचल होए, उस दिन की सुध लीजिए जिस दिन लेचल लेचल होए। तो सावधान रहना है। तो वैतरणी से तरने के लिए लोग गाय दान करते हैं, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, मंदिर में आता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान को प्रणाम करता है, गुरुदेवों की सेवा करता है, उनको प्रणाम करता है, तो उनको नरक में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वैतरणी वैतरणी पार करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे ऊपर जाते हैं भगवान के घर, विमान में बैठे जाते हैं, दो लोग चांबर करते रहते हैं उनको, चलिए लंबा आया है, और भगवान अपने धाम में ऐसे खड़े हैं बाहें फैला के गाली मिल करने के लिए।
क्यों चिंता करना था? जीवन भर गाय को खाए और अंत में गाय दान कर दिए तो क्या वेतन दर्जा होगी? पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन कौन समझाएगा उनको? जो भी है, जो लोग मंदिर में हैं, जो लोग आप लोग आए हैं, सब लोग भक्त हैं और निश्चित रूप से आप लोग मंदिर में सेवा करते रहते हैं, भक्तों के साथ में रहते हैं, हाथ हाथ बटाते हैं, सेवा में कथा इत्यादि सुनते रहते हैं, तो आप लोगों को नरक के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कथा में वो प्रसंग आ गया तो थोड़ा सा हम वहाँ चले गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मंदिर आइए, मंदिर आने का उद्देश्य साधुओं का संग करना। ये गोपियां, इस जगत की सबसे बड़ी भक्त कौन है? गोपी, सबसे बड़ी भक्त गोपियां इस बात को कहती हैं। क्या कहती हैं? रघु कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कमशा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणन्ति ते भूरि दाचन। गोपियां कह रही हैं साधु संग करने के लिए, कथा सुनने के लिए, और कहती हैं कि जो लोग कथा दूसरों को सुनाते हैं, भगवान के विषय में दूसरों को बताते हैं, कुछ भी बताएं, भगवान के विषय में दूसरों को बताते हैं, भगवान के मंदिर लेके आते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, वो भूरिदा चना, वो लोग सबसे बड़े दानी हैं। तो भगवान की कथा सुनने से इस भव सागर में नहीं आना पड़ता है, भगवान की कथा सुनना भी भगवान की भक्ति है। तो आप सभी से प्रार्थना है, इसी तरह से मंदिर आते रहिए, भक्तों की सेवा करते रहिए, भक्तों के सानिध्य में भगवान की सेवा में लगिए। कि और हम क्या सेवा कर सकते हैं, आज जितनी करते हैं कल उससे ज्यादा कीजिए। हम प्रतिदिन धन ज्यादा कमाना चाह रहे हैं कि कल और धन कमाएं, उसके बाद और धन कमाएं, तो पूरा जीवन हम प्रयास करते हैं ज्यादा धन कमाएं। तो सही धन है भगवान की सेवा, तो भगवान की सेवा में भी आगे बढ़ना है। कहते ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, कहते हैं ना। तो परम धन क्या है? परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, तो वही परम धन है राधा कृष्ण सीताराम लड्डू गोपाल गौरनिताय, वही परम धन। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे बड़े धन है भगवान। तो भगवान के सामने और कोई धन धन नहीं, भगवान के सामने इस जगत का धन मलमूत्र है, मलमूत्र के समान। कोई यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकता, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएं, कुछ लेके नहीं जा सकते। तो जब खाली हाथ जाना ही है तो क्या बहुत इतना क्यों टेंशन लेना बहुत? किसी तरह से जीवन का निर्वाह होता रहे, निर्वाह होता रहे, जीवन चलता रहे बस। जहाँ भगवान की भक्ति ज्यादा करने के लिए मिलती है अनुकूलस्य संकल्प, तो बस उसको ग्रहण कर लीजिए। जहाँ भगवान की भक्ति ज्यादा करने मिले वैसा कुछ कीजिए, ठीक है? तो क्या करना है समझ गए सब लोग? मंदिर आना है, भक्तों का संग करना है, भक्तों के सानिध्य में भगवान की सेवा करना है, यही करना है, तो भगवान के प्रिय बने रहेंगे। हरे कृष्णा, बोलिए श्री लड्डू गोपाल जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौर नंदाय की, नरसिंह देव भगवान की, जय गौर प्रेमानंदे श्री प्रभुपाद की, आज के आनंद की, समस्त भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। तो क्वेश्चन आंसर टाइम, क्वेश्चन टाइम। आप लोग की कोई क्वेश्चन है? आज हम नहीं पूछेंगे, आज छुट्टी देते सबको, अगली बार आएंगे तो पूछेंगे। आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, कोई प्रश्न हो तो समझ में नहीं आया हो आज की कथा से तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि सरल शब्दों में बताने की कोशिश करें। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
मटेरियल अटैच्ड हो जाते हैं, क्यों लोग मटेरियल अटैच्ड हो जाते हैं? क्योंकि भगवान की माया बड़ी शक्तिशाली है ना, अभी वो माया के बंधन में है क्योंकि अभी वो अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अभी उनका मन पूरी तरह से पवित्र नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चैंटिंग कराइए हरिनाम, इसलिए भक्त लोग जगह जगह करते हैं हरिनाम चैंटिंग और भगवान का प्रसाद। अब किसी को बाहर जाइए, किसी को कोई बुक दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद दीजिए, एक राउंड करा लीजिए और उनको मंदिर बुलाइए। वो मंदिर आएंगे, उनको पहली बार में आप उनको बोलिए कि चलो किचन में अंदर चलो, सब्जी काटो, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने केवल शुरू किया है, वो टेस्ट नहीं लगा है उनकी जीवन में, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद खिलाना है। श्री प्रभुपाद जी खुद अकेले प्रसाद बना के खिलाए सबको, अकेले खूब प्रसाद बना बना के खिलाए। लोग आते थे, प्रसाद खाते थे और प्रसाद खा के चले जाते थे, प्रभुपाद जी बर्तन मांजते थे उनके छोटे, श्री प्रभुपाद जी जगत गुरु श्री प्रभुपाद उनके बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे और फिर से खाना बनाते थे दूसरे लोगों को, उनको हरिनाम देते थे खड़े होके। किस एज में? जब वो 70 years, 75 years के हो गए तो फिर भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग शुद्ध होने लगे, प्रसाद खा के शुद्ध होने लगे, हरि नाम लेके शुद्ध होने लगे और आने लगे सेवा करने के लिए। तो टेस्ट मिलना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं मिलता है हरि नाम करने के साथ, बस कर रहे, करना है, प्रभु जी ने बोल दिया कि दो माला रोज करना है, एक सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, हो गया, सब काम हो गया, बस इसी में दर्ज नहीं। इसीलिए कोशिश करते रहना कि भक्तों को बुलाए मंदिर में, बुला के बढ़िया से उनको सुनाए किन भक्तों के बारे में, जिन भक्तों ने अपना सब कुछ त्याग के भगवान की सेवा की, तो इससे उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। जब इन भक्तों ने किया है तो हम भी क्यों ना करें, है ना, और साथ में मिलकर सेवा करें। यानी कि उनको दे दिया तुम करो तो वो नहीं करेंगे, और साथ में करेंगे वो देखेंगे कि आप भी कर रहे हैं बढ़िया से, तब उनको मन लगेगा करने का, चलो साथ में मिलकर सेवा करना। साथ में करने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, इतना बड़ा ब्रिज बना लिया रामेश्वरम से लेके लंका तक, क्यों? साथ में कर रहे। जब दूसरों को करते देखते थे तो उनको भी उत्साह होता था, तो चींटियां आपकी सेवा करना चाहती थी, वो अपनी शक्ति के अनुसार छोटे छोटे कंकड़ ला के वो भी डाल देते, सब बानर लगे थे जय श्री राम जय श्री राम। तो भगवान का नाम जपते जाते थे और सेवा करते जाते थे, तो भगवान का नाम जपते जाना है और सेवा करते जाना है, क्योंकि जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान का नाम जपता है वही प्रिय है। तो प्रारंभ में हमारा हृदय शुद्ध नहीं रहता है, हमारा अटैचमेंट बहुत सारी भौतिक वस्तुओं से रहता है, लेकिन अटैचमेंट छूटेगा कैसे? किसी को ज्वाइंटिस हो गया है, तो ज्वाइंटिस किसी पर हो गया है तो मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मिलता है, लेकिन दवाई क्या है? मीठी वस्तु, मिश्री, गन्ने का रस। किसी को ज्वाइंटिस हो गया है तो मीठी वस्तु मीठी नहीं लगती है, लेकिन दवाई है मीठी वस्तु, उसको मिश्री खिलाइए और उसको गन्ने का जूस पिलाइए, थोड़े दिन में उसको मीठा नहीं लगेगा। तो प्रारंभ में बढ़िया नहीं लगता है, लेकिन दवाई है यही, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराइए, सेवा करवाइए, सेवोन मुखे ही जेवा दो, सेवा करते 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 वो टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट लग जाएगा और फिर वो लोग सब लोग सेवा करने लगेंगे। अच्छा, सेवा में लगाना ये भी एक कला है। कोई व्यक्ति माला बनाने में एक्सपर्ट है और आप उसको बोल दें कि आप काम कीजिए, आप खाना बनाइए, अभी जरूरत नहीं हो तो लोग करते हैं, लेकिन एक होशियार मैनेजर वो देखता है कि किसमें क्या कला है और उनकी कला के अनुसार उनको सेवा में लगाता है। जो कुकिंग में एक्सपर्ट है उनको कुकिंग में लगा देते हैं, जो व्यक्ति मंदिर साफ करने में जिसको मजा आता है उसको साफ करने में लगा देते हैं, जो व्यक्ति प्रचार में एक्सपर्ट है उनको प्रचार में लगा देते हैं। अब कोई व्यक्ति प्रचार में एक्सपर्ट है, आप बोलो कि नहीं मृदंग सीखना है, कीर्तन सीखना है, बस लग जाओ उसमें, वो नहीं नहीं करेंगे, उनको इंटरेस्ट है ही नहीं, उनको प्रचार में इंटरेस्ट है। तो वो यहाँ कुछ भक्त हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ भक्त मृदंग बजाने में बहुत एक्सपर्ट है,
उनका पसीना आने लगेगा, उनको वो थकते ही नहीं, पसीना आता रहता है बजाते रहते बजाते, थकते ही नहीं। अब उनको बोलो कि जाके प्रचार करो, तो उनसे नहीं होगा, उनको मृदंग दो, उसके बाद खाने के लिए महाप्रसाद चाहिए उनको जम के, उनसे नहीं होगा प्रचार का काम। तो ये देखना चाहिए किसमें क्या कला है और उसकी कला को किस तरह से कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। हो सकता है कोई पेंटिंग बनाने में एक्सपर्ट है, उस मंदिर के लिए पेंटिंग बन रहा है, तो श्री प्रभुपाद जी इसमें बहुत विद्वान है, वो जानते थे कौन क्या कर सकता है, उसके हिसाब से उन्होंने सेवा का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो इस तरह से लोगों की कलाओं को जानिए और उनको सेवा में लगाइए। लेकिन जब हम लोग हैं, हम भक्त जो सेवा करना चाहिए हम सभी को, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं हम तो इसमें एक्सपर्ट हैं यही करेंगे। हम लोग ऐसा होना चाहिए चलो यहाँ जरूरत है तो चलो चलते हैं, थोड़ा हाथ बटा देते हैं, कर देते हैं। मैनेजर का एक अपना ड्यूटी है और हम लोगों का एक अलग ड्यूटी है। आज कोई है नहीं मैट बिछाने वाला, हम जल्दी आ गए चलो मैट बिछा देते हैं, थोड़ा झाड़ू लगा देते हैं, वो काफ़ी गंदा हो गया एक हफ्ते से मिली हुआ तो गंदा है, तो चलो हम ये साफ कर देते हैं, बेंच साफ कर देते हैं, सब जगह सही से रख देते हैं। सिर्फ शुरू में आकर बस बैठे, कोई और आएगा वो लोग तो करते ही हैं नहीं, जल्दी आ गए कुछ जरूरत है चलो कर दे। तो इस तरह से हम लोगों को इस तरह से सोचना है और मैनेजर्स को दूसरे तरह से सोचना है, ये किस तरह किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो सेवा में लेना है। तो इस तरह से भगवान की सेवा होगी और भगवान बहुत खुश होंगे। जो मंदिर में झाड़ू लगाता है वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो मंदिर अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज महाराज थे, राजा थे इस पृथ्वी के, वो मंदिर में झाड़ू लगा करो मरे हरे मंदिर मार्जनादेश। क्या करते थे? करो हरे मंदिर मार्जनादेश, अपने हाथों से सेवा करते। कुछ ऐसे भक्त हैं जो श्रवण में एक्सपर्ट हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं जो कीर्तन में एक्सपर्ट हैं, अलग अलग भक्ति के अलग अलग आचार्य हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज ने नवधा भक्ति एक साथ की, नौ प्रकार की भक्ति की उन्होंने, श्रवण कीर्तन में विष्णु स्मरणम पाल से श्रीमद भागवतम का ये महात्मा है। एक बार किसी ने पूछा कि श्रीमद भागवतम किसे कहा जाता है, दो शब्दों में बताइए, दो वाक्यों में बताइए कि श्रीमद भागवतम पुराण किसे कहा जाता है। शास्त्रानुसार उन्होंने बताया जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है वो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की स्तुति है वो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। दो वाक्य अम्बरीश महाराज बहुत बड़े थे, राजा थे, लेकिन वो झाड़ू लगाते थे। समय हो गया है 9 बजे, तो 9 बजे खत्म करना था तो हम खत्म करते हैं। बोले श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, सिंहदेव भगवान की जय, लड्डू गोपाल जी की जय, गौर निताय की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। गुरु महाराज वीर कृष्णा गोस्वामी और इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और यहाँ के प्रधान धाम के भजनाथ प्रभु और सारे ताबों के भक्तों की ओर से मैं महाराज जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज के जो कथा उन्होंने की है आपके जीवन में, आप लाए इसके जीवन में और अपने जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य होता है वो आत्मा का उद्धार होता है, तो बड़ा मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है, तो ये आप अपने जीवन में लाए। और जैसे कलयुग में केवल नाम और कथा अमृत को बताया गया कि इससे ही आत्मा का उद्धार होता है, तो आप नाम जपते रहें और कथा सुनते रहें और महाराज जी फिर कभी आए तो ताबा जरूर आए महाराज जी, और हम फिर से आपको स्वागत करेंगे और इसे तक कथा सुनेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, प्रोग्राम अब क्या है तो बस प्रसादन दें, ठीक है, सबके लिए प्रसादन। बहुत बहुत धन्यवाद इतने शांति से बैठ के सुनने के लिए।
हमसे कोई गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिए, वाह कुछ कह दिया हो कथा मुझे बुरा लगा हो तो माफ़ करना। किव जया जय गोरा चांद आरती के सो
Thank you.
Thank you.
वेदांत स्वामी जो भाग्य Well, I'm not thinking about it.